तो भाई साहब ऑलमोस्ट 2023 का आधा साल खत्म हो चुका है, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। और तुमने कहीं ना कहीं से ये जरूर सुना होगा कि भाई जून के महीने में बहुत सारी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। तो तुम गलत नहीं हो, जून के अंदर बहुत सारी न्यू मूवीज हॉलीवुड से या फिर इंडियन सिनेमा से हर जगह से रिलीज होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्ही जून में रिलीज होने वाली कुछ मूवीज के बारे में बात करेंगे जो की आपको शायद थिएटर में जाके एंजॉय करना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन करो तो मैं बता दूं कि एक्चुअली मेरे जो कैमरा जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मेरे फ्रेंड का है, मेरा पर्सनल नहीं है, यूट्यूब मुझे कोई पैसा नहीं देता, ठीक है। तो सबसे पहले 2 जून को रिलीज होने वाली थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि ऑब्वियसली रिलीज हो चुकी है। एंड इसका रिव्यू पहले तो मैं पोस्ट करने वाला था बट मुझे लगा कि पोस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने नहीं किया। एंड ऑलरेडी मैंने ये पिक्चर देख रखी है, अगर तुमको देखना है तो देखने जा सकते हो, काफी एक्साइटिंग पिक्चर है। और अपने अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है या फिर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम उनको भी लेके जा सकते हो क्योंकि मूवी काफी एंजॉयबल है। अब हालांकि मूवी 2 जून को रिलीज हुई थी लेकिन स्टिल अभी भी ये थिएटर्स में लगी होगी, तो जाके एंजॉय करो वो भी अपने फैमिली के साथ। अब अगर तुम इस मूवी को देखने जाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस मूवी का जो पहला पार्ट था उसने ऑस्कर जीता था अपने एनिमेशन के लिए, तो इसका पार्ट 1 देख लो अगर नहीं देखा है तो, और अगर तुमने वो पार्ट देख लिया तो तुम सेकंड पार्ट को देखने से खुद को रोक नहीं पाओगे। अब नेक्स्ट जो अपनी मूवी है वो 9 जून को रिलीज होने वाली है एंड उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। एंड इसके बारे में ऑब्वियसली अभी तक तुमने सुन ही लिया होगा, इसका ट्रेलर बहुत से लोगों को एक्साइट कर चुका है। एंड हाँ, इसमें अपने को यूनिक्रॉन देखने वाला है। एंड अगर तुम एक पॉप कल्चर फैन हो तो तुम ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज के बारे में ऑलमोस्ट जानते होगे। एंड इससे पहले जो माइकल बे वाली ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज आती थी उससे इस मूवी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो भाई तुमको वो पास्ट की मूवीज का रिकैप देखने की जरूरत नहीं है, बस ये मूवी देखो और एंजॉय करो। हालांकि इससे पहले एक मूवी है जो कि तुम्हें देखनी चाहिए, वो है बंबलबी, उसको देखने के बाद तुम इस मूवी को बिंदास एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद 9 जून को ही एक और मूवी रिलीज होने वाली है, वो है ब्लडी डैडी। अब एक ही दिन तुम 2 टिकट खरीद पाओ या ना खरीद पाओ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये दूसरी वाली मूवी ओटीटी पे आ रही है, तुम्हें 2 टिकट खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अपने मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी भाई ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स को टक्कर देने के लिए अपने खुद की ओटीटी जियो सिनेमा को पुश करना शुरू कर दिया है। एंड ये शायद ब्लडी डैडी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत बस है, एंड इसके आगे आने वाले टाइम पे हमें बहुत सारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड फिलहाल अभी जियो सिनेमा कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा है अपने इंडियन कॉन्टेंट के लिए, तो तुम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे 9 जून को। इसका ट्रेलर और टीजर दोनों आ चुका है, टीजर बहुत शानदार था, टीजर देख के बहुत हाइप बन गई थी लेकिन टीजर को देखने के बाद वो हाइप थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन फिर भी अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए। और अगर तुम चाहो तो ये मूवी फिर भी देख सकते हो, स्टिल ये मूवी फ्री है देखने के लिए तो तुमको देखना ही चाहिए अगर तुम फ्री बैठे हो घर में तो। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, वैसे मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ क्योंकि जो अपनी नेक्स्ट पिक्चर है जो कि इसके बाद रिलीज होगी यानी कि 15 जून को फ्लैश, वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। अब अगर तुम एज़रा मिलर के बैकग्राउंड को जानते हो तो तुम समझ गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपने को 15 जून के अंदर फ्लैश मूवी देखने को मिलने वाली है सिर्फ इंडिया के अंदर, बाकी वर्ल्ड वाइड रिलीज शायद इसका 16 जून को है। और ये अच्छा हुआ कि इन लोगों ने 16 जून को इस मूवी को रिलीज नहीं किया क्योंकि 16 जून को एक और बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फ्लैश के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इसके 5 या 6 ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं इस मूवी से और बहुत सारे टीवी स्पॉट्स। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई पिक्चर को आने में अभी 10-12 दिन है तो ये लोग कोई कैमियो स्पेशल वाला पोस्ट क्रेडिट सीन पोस्ट ना कर दे जैसा इन लोगों ने शज़ाम के साथ किया था। एंड देखो ऑलमोस्ट आधी दुनिया ने अब तक ये मूवी देख ली है, लिटरली बहुत सारी स्क्रीनिंग हो चुकी है। एंड भाई जितनी भी स्क्रीनिंग होती है सब पे बंदे यही बोलते हैं कि पिक्चर बहुत अच्छी है। इवन जेम्स गन ने तो ये कहा कि दिस इज द बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर मेड। अब अगर तुम जेम्स गन पे भरोसा नहीं करते तो अपने टॉम क्रूज भैया ने भी साफ साफ कह दिया था कि दिस इज काइंड ऑफ सुपर हीरो मूवी विच वी नीड, मतलब मूवी दमदार होने वाली है। अब अभी से तो कुछ कह नहीं सकते, बस रिलीज का ही वेट करना पड़ेगा। हालांकि मैं रिव्यू पोस्ट कर दूंगा, वो बात अलग है कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चालू होने वाले हैं जल्द ही, फिर भी मैं रिव्यू पोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट बड़ी मूवी है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी वो है आदि पुरुष, जो कि 16 जून को रिलीज होने वाली है। एंड इस मूवी की हाइप नेक्स्ट लेवल पे है, पॉजिटिविटी के लिए हो या फिर नेगेटिविटी के लिए पकड़ लो, दोनों चीजों के लिए इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है। प्रभास के फैंस इस मूवी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं और जो भी बाकी के लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मूवी प्रोडक्शन को लेके वो बस यही सवाल कर रहे हैं कि भाई 700 करोड़ का किया क्या, और इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तुम्हें डिफेंड करना है या क्रिटिसाइज करना है वो तुम डिसाइड करो, मैं डिसाइड करूंगा मूवी देखने के बाद। ट्रेलर्स देख के तो साफ पता चलता है कि भाई टीजर से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। मूवी के अंदर 2 गाने हैं, दोनों लाजवाब हैं, तो मैं तो मूवी के लिए एक्साइटेड हूं क्योंकि भाई सबसे पहले तो लाइव एक्शन अडॉप्टेशन बन रहा है अपने रामायण का। और अगर तुम अभी श्योर नहीं हो इस मूवी को लेकर कि तुम्हें देखने जाना है कि नहीं जाना, तो तुम सब्सक्राइब कर दो तुरंत, मैं रिव्यू डाल दूंगा, उसके बाद तुम जज कर लेना कि तुम्हें मूवी देखनी है या नहीं, क्या कहते हो। अब अपनी जो नेक्स्ट मूवी है वो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और वापस से ये 16 जून को ही रिलीज होने वाली है। एंड हाँ, ये एक ओटीटी रिलीज होगा तो तुम्हें एक दिन में 2 टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हालांकि बहुत से फैंस ये जरूर डिमांड कर रहे थे कि इस मूवी को एक थिएट्रिकल रिलीज देना चाहिए क्योंकि इस मूवी का एक्शन बहुत शानदार है। इवेंचुअली जो टीजर और ट्रेलर दिखाया गया था उसके अंदर के वन शॉट सीक्वेंस बहुत शानदार है और एक्शन सीक्वेंसेस की मैं बात नहीं करूं तो बेहतर है, मैं बात कर रहा हूं एक्सट्रैक्शन 2 की। एक्सट्रैक्शन एक बहुत शानदार एक्शन मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है एवेंजर्स एंडगेम के डायरेक्टर
एंथनी एंड जो रूसो ने। एंड उसके अलावा इस मूवी के मेजर रोल में अपने को थॉर भैया दिख जाएंगे, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ। एंड उसी एक्सट्रैक्शन का ये सीक्वल है एक्सट्रैक्शन पार्ट 2, जो कि पहले से और भी ज्यादा दमदार लगने वाला है, क्योंकि भाई इसका टीजर देख के ही मैं फ्लैट हो गया था। अब अगर तुम्हें एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो तुम इस मूवी को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी के अंदर 10 मिनट से भी ज्यादा का सिंगल शॉट एक्शन सीक्वेंस है, मतलब एक टेक में लिया हुआ एक्शन सीक्वेंस। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने मिनट का है, क्योंकि मैंने वो आर्टिकल बहुत पहले पढ़ा था। अब मुझे पता है कि इस मूवी के अलावा भी बहुत सी मूवीज आ रही हैं, बट अभी मेरे कैमरा की बैटरी ड्रेन हो रही है एंड द बैटरी डाइड। एनीवेज, बाकी की मूवीज के लिए मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ, एंड ना ही मुझे इंडियन ऑडियंस के बीच उन मूवीज का क्रेज दिखा। खैर, यही था एक छोटा सा वीडियो जून में आने वाली कुछ अपकमिंग मूवीज के बारे में। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो तुम लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो दोस्त लोग भी तुम्हारे साथ थिएटर में जा सके, तुम अकेले ना पड़ो। एंड हाँ, अगर तुम्हें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अविनाश, और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लिरिक्स बहुत शानदार है, हिट कर जाते हैं। तुम्हारी बहुत गलत टाइम है फोन करने की, बहुत गलत टाइमिंग है। यू हैव वर्स्ट टाइम। देखो पसीना चल रहा भाई, पंखा बंद करके कर रहा हूँ।